बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हर किस्म की वजीफा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कद बढ़ाने का एक खास अमल, अगर आप कद बढ़ाने का एक खास अमल कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका कद दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू होगा। वो मेरी माएँ और बहनें जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं कि उनके बच्चों का कद छोटा है और चाहती हैं कि उनके बच्चों का कद बड़ा हो, दूसरे बच्चों के मुकाबले में उनका कद छोटा है, अपने बच्चों का डॉक्टर इलाज भी करवाया है, उनको एक्सरसाइज भी करवाती है, बच्चों को लटकाती भी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे का कद नहीं बढ़ा, तो ये अमल कीजिए। कद बढ़ाने का एक ख़ास अमल है, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करें। और आप देख सकते हैं कि सूरह यूसुफ की पहली आयत, सूरह यूसुफ की पहली आयत तीन मरतबा अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताबिल मुबीन इज़ाफ़ी अल्फाज हैं, अर्रहीमु या अल्लाहु या मुरीद, ये इज़ाफ़ी अल्फाज हैं, आपने साथ मिलाने हैं। लाज पर फूक मारकर तसव्वुराती तौर पर अपने कद को बढ़ता हुआ ख्याल करके पानी को तीन सांसों में पी लें। अगर बच्चा नहीं कर सकता तो माँ ये करके बच्चे को पिला दे। ये अमल आपने एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम को करना है। इंशाल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आप खुद देखेंगे कि आपका कद बढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता से महसूस होगा। आपने ये अमल कुछ माँ कीजिए, इंशाल्लाह जिन भाई बहनों बच्चों का कद छोटा है, डॉक्टरी इलाज भी करवाए हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बच्चे लटकते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कद नहीं बढ़ रहा, अगर आपका ख़ानदानी कद छोटा है तो ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपके बच्चे का कद छोटा है, लेकिन ये अमल ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़र्क मिलेगा। उम्मीद करूँगी आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कद आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो, अगर आपका कद छोटा है और आप चाहते हैं कि आपके कद में भी इजाफा हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल और करम के साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत आम साबित होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और आपका भी भला हो जाएगा। उम्मीद करूँगी आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। हमें इस वीडियो से फिर वक्त इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।